व्हीलचेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे मॉर्गन किस व्हीलचेयर के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप, मॉर्गन किस व्हीलचेयर है। अब इसके फ्यूचर के बारे में हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये पावर बटन है, पावर्स है ऑन ऑफ। इसमें डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले है, जिससे आपको विजुअल होता है कि ये प्रोडक्ट्स के आप कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं। अभी ये जो फंक्शन आपको मोड दिख रहा है, ये इंडोर वन दिख रहा है। ये मैनुअल मोड ना होकर के ये वर्किंग मोड रहता है। ये रोड पर ट्रेवल करने के लिए या इंडोर ट्रेवल के लिए यूजिंग में है। इसमें जो दूसरे फंक्शनल है वो आपको आगे बताते हैं। इसी में आप एक ये देख रहे हैं कि रेड कलर का ट्रायंगल्स है, एक्चुअल में ये पार्किंग के लिए। इनकेस आप जब बाहर गाड़ी व्हीलचेयर यूज करते हैं तो इसमें आपको पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, जिससे कि आप जैसे आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर में पार्किंग है तो ये डीपर यूजिंग में रहता है कि आपको इससे पता ये गाड़ी पार्क की हुई है। इसी में यदि आप नाइट विजन मोड में चलाते हैं तो ये इसमें लाइट्स दिए हुए हैं, आपको नाइट में भी विजन मिलता है, जैसे आप इसको यूजिंग कर पाते हैं। ये हॉर्न है, सपोज आप चल रहे हैं, आगे कोई है पार्किंग, आपके आगे कोई व्हीकल है या कुछ है तो उनको इंडिकेट होता है कि आपकी व्हीलचेयर पीछे से आ रही है। ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर साइन है, आपको टर्न लेना है, ये बताता है साइड। इसमें पीछे आगे दोनों साइड ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ये पता चलता है कि आप राइट की ओर टर्न ले रहे हैं, इंडिकेट हो जाता है पर्सन को कि आप लेफ्ट की ओर ले रहे हैं, राइट की ओर ले रहे हैं, तो वो उसे जानकारी हो जाएगा कि पर्सन अपनी साइड चाह रहा है। इसी में फिर एक ये स्पीड ऑप्शन है, इसमें स्पीड्स होती है, आप मिनिमम टू हाई स्पीड पर जा सकते हैं इसमें, जिससे आपकी स्पीड रोड पर कवर होती है, आप रोड पर इजीली मूव कर पाते हैं। इंडोर में आप नॉर्मल मोड पर भी चला सकते हैं, आउटडोर में आपको स्पीड्स रिक्वायर्ड रहती है, तो इसमें आउटडोर के हिसाब से आपको स्पीड्स स्पीडोमीटर में स्पीड्स भी दिखता है कि आप कितनी स्पीड से आप गाड़ी ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। इसमें स्पीडोमीटर भी दिखता है कि आपकी स्पीड्स कितनी चल रही है, कितने किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आप चला रहे हैं, वर्किंग हो रहा है आपको उसको। इसमें डीमो या देखेंगे, ये देखिए इसको साइन चेंज होते जा रहा है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती है कि इससे आपको लग जाता है, पता चलता है कि आपकी क्या स्पीड्स है, ठीक है। इसमें आप ये फंक्शन देखें, ये जॉयस्टिक है, ये मूवेबल रहती है, आप अपने हैंड के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। इसको लेफ्ट टू राइट किया जा सकता है, पर्सन के यदि हैंड में मतलब लेफ्ट वर्किंग करता है तो लेफ्ट की ओर मूव किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है। ये आर्म सपोर्ट्स है, आर्म सपोर्ट्स अप डाउन किए जा सकते हैं, आर्म सपोर्ट्स आगे पीछे किए जा सकते हैं। इसमें अलग की बोल्ट्स दिए गए, इसमें प्योरा चैनल दिया हुआ है, चैनल से आप इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। सेम एज इट इज इसका बैक को भी आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बोल्ट सेटिंग चैनल सेटिंग है, माइनर लूज करके आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इसमें है। डिटेचेबल फुटरेस्ट है, जिससे आप इसको फुट को डिटेच भी कर सकते हैं, इनकेस रिक्वायर्ड ना हो उस जगह जहाँ स्पेस का इशू हो तो आप इसको डिटेच भी कर सकते हैं। सेम दोनों कंडीशंस है, दोनों में वही रहेगा फुटरेस्ट। सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें बैच प्रोवाइड किया हुआ है, पर्सन यदि कोई मूव करता है तो वो गिरेगा नहीं आगे की ओर। इसमें एक शॉक एब्जॉर्बेंस लगा हुआ है, जब आप व्हीकल पर चलते हैं तो आपको धचके वगैरह ना लगे, इसके लिए शॉक एब्जॉर्बेंस लगाया हुआ है, आपको एक सॉफ्ट स्मूथ राइडिंग मिले। इसके लिए पूरा एक एज इट इज आप सीरियस बोल सकते हैं कि ये एक मिनी कार हो गया। अब इसके फंक्शन बता दिए जाते हैं आपको। अब इसमें सारे फंक्शंस मोड से चलते हैं, इसमें मोड्स हैं, प्रोफाइल है, प्रोफाइल वन प्रोफाइल टू भी होती है नॉर्मल मोड में। अब इसमें मोड्स हैं, मोड्स में सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज में आप देखें जब इसको मूव करते हैं तो इसका फुटरेस्ट और बैकरेस्ट पूरा डिटेच होता है, ये पूरा रिक्लाइन हो रहा है, स्ट्रेचर मूवमेंट आ रहा है, इससे आपको रिलैक्स मिलता है, बॉडी का वेट डाइवर्ट हो जाता है, आपको सिटिंग प्रॉपर मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। सपोज आपको थोड़ा सा सिटिंग मतलब चलने पर स्ट्रेस हुआ तो आप इस पोजीशन पे आके रिलैक्स हो सकते हैं। इसका बैक ओवर नहीं होगा, पूरा स्ट्रेचर मोमेंट पर जाएगा, जिससे आपको एक पूरा एक सिटिंग मिलेगा, आपको एक लेटने का आराम मिलेगा। सेम फंक्शन इसी में एज इट इज इसको आगे की ओर पुश करेंगे तो ये आपको सिटिंग पोजिशन पर जाता है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल पर आपको सिटिंग देता है। बाकी आप चाहे तो हर डिग्री पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहां रुकेंगे वहां इसको लॉक हो जाती है पोजीशन, उसी पोजीशन पर ये वर्किंग में आ जाती है, तो आपको एक प्रॉपर सेटिंग भी मिलता है इससे, तो कंफर्टेबल भी बनता है। कंफर्टनेस के लिए देखिए आप
बैक के ऊपर नेक सपोर्ट्स दिया हुआ है, साइड काफ सपोर्ट दिए हैं, शोल्डर के लिए सपोर्ट्स हैं, है ना। अब इसी में इसको मोड चेंज करना हो तो जॉयस्टिक को सिर्फ राइट की ओर क्लिक करना है, इससे ये लिफ्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। लिफ्ट पोजीशन में लिफ्ट के लिए लिफ्ट करने ऑप्शन में जब लिफ्ट करना होता है तो ये व्हील चेयर पूरा अप हो जाता है, आपको एक हाइट मिलता है, आप एक नॉर्मल हाइट पर्सन के मुताबिक हो जाते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइट होती है उस पोजीशन पे आ जाते हैं। इसके बाद टिल्ट ऑप्शन है जिसमें आप बैठे बैठे अपने आप को रिलैक्स, आप एक हाइट पर जाके अपने रिलैक्स मोड पर जाना चाहे तो ये पूरी व्हील चेयर आपको मूव करती है, आपको पूरा एक टिल्ट पोजीशन देती है जिससे कि आपका बॉडी पूरी डाइवर्ट हो जाती है वेट आपका। आप जितना चाहे उतना जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, इस एंगल पर आप अपने आप को पूरा रिलैक्स महसूस करते हैं। सेम फंक्शन वही आगे की ओर करेंगे, इसके फंक्शन से आप वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। हाई स्ट्रेंथ है, पूरा बेस इसका बना हुआ 6 व्हील ड्राइव है। इसके बाद देखिए बैकरेस्ट, अपने को सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ बैक को रिलैक्स देना है, बैक को सपोर्ट देना है, तो सिर्फ बैक आपका बैक पीछे की ओर जा रहा है, आपको एक रिलैक्स पोजीशन तक लेके जा रहा है सिटिंग पर ही। इसमें इंडिविजुअल्स आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं, सपोज आपको बैक रिक्वायरमेंट है बैक के लिए जा सकते हैं, फुटरेस्ट पे जाना है सिंगल फुटरेस्ट पे जा सकते हैं, बोथ फुटरेस्ट पे जा सकते हैं। आपको मैं अगला फंक्शन बताता हूँ, अभी हम बैकरेस्ट पोजीशन पर हैं, अभी हम बैक आगे की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि बैक अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ रहा है। अब इसी को वापस राइट क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट फुटरेस्ट, ये सिंगल इंडिविजुअल, अभी देखें सिंगल लेफ्ट पोजीशन वाला फुटरेस्ट आप हो रहा है। सपोज हमें एक पांव के लिए लेग्स के लिए बोला है या हमारा एक पैर में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है तो हम उसको एक सिंगल पैर को भी मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक साथ दोनों ही होंगे, है ना। सेम कंडीशन इसी में राइट के लिए भी रहेगी। ये सेम इसको फिर क्लिक किया हमने तो ये राइट फुटरेस्ट, ये राइट हमने पीछे की ओर किया, ये आपका फुटरेस्ट आगे की ओर चला गया। नॉर्मल पुश करना भर है, उंगली के इशारे से वर्किंग करती है। अब इसी में फिर एक फंक्शन और आता है बोथ फुटरेस्ट, इसमें ये कंडीशन में आप अपने दोनों फुटरेस्ट को एक साथ अप कर सकते हैं, दोनों पैर रिलैक्स मोड पे ला सकते हैं। जिस एंगल पर चाहे उस एंगल पर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। मोड चेंज करना हो मोड प्रोफाइल पर जाके मोड चेंज कर देंगे तो ये अपनी नॉर्मल प्रोफाइल मोड हो गया। मैं आपको उसको ड्राइव करके बता देता हूं, सारे सभी इसी फंक्शन से होंगे, सिर्फ जॉयस्टिक को मूव करना है। जॉयस्टिक को लेफ्ट किया लेफ्ट होगा, राइट किया और राइट किया, फ्रंट किया फ्रंट होगा, बैक किया बैक जाएगा, जहां छोड़ देंगे वहां ब्रेक हो जाता है। इसके पावर ब्रेकिंग सिस्टम है, जहां जहां रिक्वायर्ड है, जहां आपने जॉयस्टिक को उंगली हटाया, आपने जहां से पावर डिस्कनेक्ट किया वहीं पर ये ब्रेक हो जाती है, इससे आपको एक्सीडेंशियल के चांस पूरे खत्म हो जाते हैं। और आपका इसमें अभी मोड जो मैं सिंगल पर चला रहा था, इसमें यदि स्पीड्स की बात करें तो ये कछुआ से खरगोश की ओर स्पीड का जा रहा है। हम लोग अब इसकी स्पीड बढ़ा के इसकी स्पीड को भी रिकवर कर सकते हैं। फास्ट मूविंग हो गया, आप जब देख रहे होंगे कि जब मैंने व्हीकल चला रहा हूँ तो ये शॉक अब्जर्वर से काम कर रहा है इसका, ये पूरे बॉडी को मतलब रिलैक्स पोजिशन में मतलब गिरने नहीं देता, बॉडी को वहीं पर कंप्लीट फिक्स रखता है। अब इससे मोमेंट यदि ऑफ करना है आपको, व्हील चेयर से रिमूव होना है, ये पावर ऑफ करके आप इसे डिटेच हो सकते। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और इस व्हील चेयर को ऑनलाइन परचेस करने के लिए हमारी वेबसाइट www.wheelchairindia.com जरूर विजिट करें।
लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है विथ फ्री शिपिंग। तो धन्यवाद दोस्तों।